तस्वीरें लगातार आप लाइव देख पा रहे हैं वाराणसी के होटल ताज से। यहीं पर कार्यकर्ता सम्मेलन भी है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। संदीप गोसाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, बड़े नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। कितनी देर में जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है ये वहां पर शुरू हो जाएगा? देखिए लोकेन, थोड़ा डिले इसमें हुआ है और 9:30 बजे का एक कार्यक्रम था। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और जो कार्यकर्ता है वहां पे एक बूथ स्तर के करीब 3,000 से ज़्यादा जो तमाम काशी क्षेत्र का जो वाराणसी संसदीय सीट है उसके आसपास के जो इलाके हैं उन सभी बूथ कार्यकर्ताओं के साथ जो उससे ऊपर के पदाधिकारी उन सभी को वो संवाद करेंगे, उनकी समस्या भी पूछेंगे और उनके गुरु मंत्र भी देंगे। तो ये कार्यक्रम करीब 1 घंटा चलेगा। जो डी पेरिस होटल है वहाँ पे, जो सूर्या होटल है जहाँ पर मीडिया सेंटर बनाया गया है, ताज में पीसी भी होनी है। पीसी कौन करता है ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। कार्यक्रम बीजेपी ने जारी भी किया था, जेपी नड्डा करते हैं। अमित शाह ने पहले ही पीसी कर ली थी तो शायद जेपी नड्डा इस पीसी को करेंगे। पूरा बताएंगे रोड शो और नॉमिनेशन में क्या कुछ रहा, बीजेपी ने क्या उम्मीद की थी और कितना वो कर पाई। लेकिन कार्यकर्ता सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके बाद जो रोड शो की झलक है वो मिल पाएगी। मैं इस समय जो काशी के कोतवाल हैं काल भैरव वहाँ हूँ, उस क्षेत्र में हूँ। काल भैरव ये चौक है और धीरे धीरे जो लोग हैं वो जुटने शुरू हो गए हैं। और कल की तरह, कल भी हमने ठीक ऐसे ही देखा था कि 12 बजे के आसपास से लोग जुटने शुरू हो गए थे रोडों, सड़क के किनारे, जगह जगह। और उसके बाद दिन भर करीब 40 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस तापमान था। अभी भी जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उस भीषण गर्मी में, कल की बात कर रहा हूँ, तो उस भीषण गर्मी में भी लोगों में उत्साह में कोई कमी नहीं थी। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, वो तमाम पीएम मोदी का इंतजार कर रहे थे। और आज भी स्थिति यही है क्योंकि इस क्षेत्र के लोग, जो काल भैरव जो क्षेत्र है, यहाँ के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो पीएम मोदी कल की तरह जो ओपन गाड़ी थी अभिवादन स्वीकार करते हुए, इसी तरीके से उनका काफिला यहाँ से गुजरेगा ताकि लोग उनको देख सकें। छोटे छोटे बच्चे भी इन्हीं से जानेंगे जो यहाँ के लोग हैं। बेटा आपका क्या नाम है? लबदुक्ता। अच्छा, इधर देखो कैमरे की तरफ। लबदुक्ता। अच्छा, आप यहाँ पे क्यों आए हो, दर्शन करने आए हो? मोदी जी से मिलने। मोदी जी से मिलने? अगर वो आपसे मिलेंगे क्या कहोगे? मोदी जी। आप बताइए सर, आप लोगों में काफी उम्मीद है, आप दर्शन, जैसे कल लोगों ने अभिवादन लिया था या फूल मालाओं से स्वागत किया, तो इस क्षेत्र के लोग भी इंतजार कर रहे हैं? जी सर, इंतजार तो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, काफी भीड़ है। आप यहीं के रहने वाले? जी। इनका कोतवाल कहा जाता है काल भैरव को, क्या है इसके पीछे, आप लोग की क्या मान्यता जुड़ी हुई है? यहाँ पे जो है काशी के कोतवाल जो बाबा हैं, इससे सारे दुख और सारी बाधाएं सब दूर होती हैं। और सर काशी कोतवाल माने जाते हैं। तो भीड़ दिखाता हूँ, यहाँ पे पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था की भीड़ है और जो लोग हैं वो भी जुटने धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। पुलिस ने व्यवस्थाएं कर दी हैं, बैरिकेटिंग कर दी है और एक सीमा जो बैरिकेटिंग की है वो बांध दिए ताकि उसके आगे व्यवस्थाओं में व्यवधान न हो। जब काफिला आए तो वो आराम से जो जैसे कल व्यवस्था बनाई गई थी उसी तरीके से लोग बहुत नजदीक से प्रधानमंत्री को देख भी सकें जैसे कल वो आए थे। महिलाएं हमारे साथ हैं, आप लोगों के लिए कल का और आज का दिन मैं देख रहा हूँ एक उत्सव की तरह, आप पूरी काशी की जनता यहाँ पर है तो उत्सव है आप लोगों? यस सर। कैसा उत्सव है थोड़ा सा बताइए कि? खुशी है मोदी जी को देखने के लिए, बहुत खुशी है मोदी जी को देखने के लिए। पहले कभी आपने आमने सामने देखा था वो? तो यहाँ 20 बार आ चुके। कल फर्स्ट बार मैंने देखा हुआ था रोड शो में, आज सेकेंड बार फिर आई हूँ देखने। कहाँ पे आपने देखा? कल कबीर चौरा पे देखा। बेटा आपने भी देखा था सामने? बोलो, आपने देखा था कल? बोलो, आपने क्या पोयम सुनाओगे आप? सामने देख के बोलो। नहीं है, थोड़ा सा घबरा रही है। और लोगों से बात करेंगे, आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग बनारस के ही हैं और मोदी जी को देखने आए हैं। कल भी देखा था? हाँ, कल उनको हम लोग मदनपुरा में देखे थे। लेकिन
जो विपक्षी दल है वो कह रहे हैं वो विकास नहीं हो पाया जिसका सपना दिखाया गया। ऐसा है, विपक्षी दल जिस चश्मे से देखते हैं उनको विकास नहीं दिखेगा। 70 सालों में कांग्रेस ने कभी कोई विकास किया नहीं बनारस के लिए, और मोदी जी जब से 5 साल से आए जो विकास बनारस ने देखा, ये 5 साल और आगे रह जाएंगे, बहुत अच्छा बनारस डेवलपमेंट करेगा। वो कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी कहाँ है, आप पार्टी के कार्यकर्ता है या आम पार्षद? मैं पार्षद पति हूँ जैतपुर। ये बताइए जो काशी का स्मार्ट सिटी था, जो बनारस स्मार्ट सिटी, वो कहाँ है, वो आप उसको समझा पाए? स्मार्ट सिटी क्या है कि बनारस हमारा पूर्ण प्राचीन शहर रहा है, शहर के मध्य में जब जो अभी आप यहाँ पे खड़े हैं ये मध्य क्षेत्र है, यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, जो हमारी गलियाँ हैं उसको आप केवल रिपेयरिंग करा सकते हैं, मरम्मत मोडिफाई, बाकी आपको अगर विकास देखना है तो शहर का हमको आउटर देखना होगा। आप शहर से बाहर निकलिए आपको बनारस दिखेगा, दिखेगा नहीं, वो बनारस का ऐसा स्वरूप दिया गया है जो अकल्पनीय है। मतलब जो विपक्ष है वो ये कहता है कि इवेंट किया गया, जब भी मोदी यहाँ आते हैं बड़ा इवेंट होता है, जमीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं। जमीनी स्तर पर बहुत काम हुआ है, ये यहाँ का हर नागरिक, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं आप किसी से भी पूछेंगे तो विकास किसको नहीं दिखता, हमें नहीं लगता विकास यहाँ हुआ है और विकास प्रतिदिन हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। आप लोग इंतजार कर रहे हैं, आप लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, कल आप लोग कहाँ पे मिले थे? कल आगे वाले रास्ते पर थे हम लोग, रास्ते में ही मिले क्योंकि ज्यादा भीड़ था।